आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि पितृ पक्ष कब से शुरू हो रहा है 2024 में, कब तक चलेगा, इस समय में हमें पितृ दोष से मुक्ति के लिए क्या क्या काम करने चाहिए, पिंडदान तर्पण कहाँ करवाएं, कैसे करवाएं, जिनको अपने पितरों की श्राद्ध तिथि का नहीं पता वो क्या करें, सारी जानकारी इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कि पितृ पक्ष कब शुरू हो रहा है, तो इस बार साल 2024 में पितृ पक्ष 17 सितंबर से शुरू हो रहा है, पूर्णिमा के दिन से 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक चलेगा। 17 सितंबर को सुबह 11:44 पर मंगलवार के दिन पितृपक्ष शुरू हो जाएगा और 2 अक्टूबर को बुधवार के दिन सुबह 8:04 तक रहेगा। बुधवार के दिन सर्वपितरी अमावस्या है 2 अक्टूबर को, यानी सभी पितरों की अमावस्या। इस दौरान जिन लोगों की कुंडली में, जिन लोगों की जिंदगी में, जिन लोगों के शरीर में या जिन लोगों के घरों में पितृ दोष लगा हुआ है, वो पितृ दोष का निवारण कर सकते हैं। ये 16 दिन वो दिन होते हैं जिस समय हमसे पहले की 3 पीढ़ियां जितने भी मरे हैं, छोटे बड़े मेल फीमेल जो भी है, वो सारे के सारे पृथ्वी पर आते हैं हमारे घर में कुत्ते के रूप में, गाय के रूप में, सर्प के रूप में, कौवे के रूप में भोजन ग्रहण करने के लिए। इस दौरान हमें किसी भी जीव का अनादर नहीं करना है पितृपक्ष के इन 16 दिनों में। हर रोज सूर्य को जल देना है, जैसे ये लुटिया है, इसमें 2 लौंग 5 लाल फूल डालकर जल देना है सूर्य को और प्रार्थना करनी है कि हे श्री सूर्य नारायण भगवान, मेरे पितरों को मोक्ष गति प्रदान करो और मुझे पितर दोष से छुटकारा दिलाओ। हर रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, यही बोलकर कि हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, कृपा करिए मेरे पितरों की गति करवाइए। वहीं पास में एक दीपक भी जला देना है आपको शिवलिंग के पास, हो सके तो ये कार्य शाम के समय करना। आप आसपास कोई भी बेलपत्र हो, बेलपत्र के नीचे दीपक जला देना, उससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, श्री नारायण भगवान से प्रार्थना करेंगी, आपके पितरों की मुक्ति तो होगी ही होगी, लक्ष्मी नारायण दोनों आपके घर में स्थायी निवास बना लेंगे। याद रखना, जब कोई भी व्यक्ति अकेली लक्ष्मी को बुलाता है तो वो ज्यादा दिन ठहरती नहीं, लक्ष्मी नारायण ठहरते हैं इकट्ठे घर में। उसके साथ साथ हर रोज गौ माता को रोटी जरूर देना, महिला है तो 1 रोटी ऊपर थोड़ा सा गुड़ रख के, दूसरी रोटी ऊपर रख के वो देगी, पुरुष है तो अकेली रोटी थोड़ा सा गुड़ रख के वो दे देगा। अब अगर आपको अपने पूर्वजों की तिथि पता है तो उसी तिथि में उनका श्राद्ध निकाल देना। पितरों की 16 दिनों की रोटियां कैसे निकाले, अशोक कुमार वीडियो YouTube पर सर्च कर लेना, आ जाएगी। इस वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहां भी पितरों से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब ऐसे में हमें एकादशी और चतुर्दशी, यानी एकादशी और चतुर्दशी 2 तिथि ऐसी हैं जिस दिन श्राद्ध नहीं किया जाता, तो ऐसे में क्या करें, जिनका श्राद्ध एकादशी को है वो द्वादशी को करेंगे, जिनका श्राद्ध चतुर्दशी को है वो अमावस्या के दिन करेंगे। एकादशी और चतुर्दशी का श्राद्ध मान्य नहीं होता तो हमें नहीं करना है बिल्कुल भी। उसके साथ साथ अगर आपको लगे कि आपका सब कुछ तहस नहस हो चुका है, ना तो आपको पितरों के बारे में पता है, ना ही किसी और चीज के बारे में कोई जानकारी है, तो उसके लिए ज्यादातर लोग जो हमसे मिले हैं उन्होंने हमसे यही कहा है कि हमें पितरों के बारे में कुछ भी नहीं पता, हमें नहीं पता हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे पितर कौन हैं, हमें परेशान कौन कर रहा है। तो सिंपल सी एक ही बात बताना चाहता हूँ, ना तो मैं आप लोगों से मिल सकता हूँ सभी से, ना ही फोन पर सभी से बातचीत कर सकता हूँ, और ना ही एक एक व्यक्ति को बोलकर बताया जा सकता है। अब ये वीडियो तो YouTube हो सकता है उठा के 1,00,000 लोगों को दिखा दे, अब मैं 1,00,000 लोगों को ना तो फोन पर बता सकता हूँ, ना मिलकर बता सकता हूँ, इसलिए सिर्फ YouTube का माध्यम चुना गया है। इस चीज का समाधान करने के लिए बिल्कुल एक छोटा सा रास्ता निकाला है। कैसे निकाला है, पितृ पक्ष के 16 दिनों में आपको माला जाप करना होगा। अब जिन लोगों को माला जाप का नाम सुना वो सुनते ही भाग लिए होंगे कि हाँ बस अब कुछ नहीं करना, अब भाग जाओ भाई, हमें जरूरत भी नहीं है आपकी। इस माला को हमने ओम नमः शिवाय और ओम श्री पितर देवाय नमः मंत्र पर जागृत कर दिया। ये माला सिद्ध है, जागृत है, अगर थोड़ी बहुत किसी के पास कोई शक्ति है तो आप देख सकते हो ये माला जागृत है भाई, और किसी के पास कोई शक्ति नहीं तो उसको तो भाई कुछ कहो ना कहो बराबर है। इस माला के ऊपर अगर आप पितर पक्ष के 16 दिनों में ओम नमः शिवाय का जाप करते हो तो आपके घर का, आपकी कुंडली का पितृदोष शांत हो जाएगा। अब कैसे पता चले कि हमें पितृदोष लगा हुआ है, एक बार इस बात को पूरी ध्यान से सुनना। अगर आपका कोई भी काम बनता बनता बिगड़ जाता है, बच्चा 1-2 नंबरों से रह जाता है, कोई भी इंटरव्यू देने जाते हो क्रैक नहीं कर पाते हो, कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हो, किसी भी प्रकार से घर में अशांति फैली हुई है,
किसी भी एक व्यक्ति के शरीर में, घर में मान के चलो जो मुखिया है, या तो उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहेगा या उसका दिमाग विचलित रहेगा। क्यों? घर का जो मुखिया है उसका काम बंद दिया जाता है, घर की जो दक्षिण दिशा की दीवारें हैं उनमें दरार आ गई हैं, घर की छतों में या दीवारों में पीपल उग गए हैं, कर्जा हद से ज्यादा हो चुका है, दुकान है, फैक्ट्री है, कोई और व्यापार है वो चलता ही नहीं है, पहले ठीक ठाक था अब कुछ भी नहीं है। ये सब पितृ दोष के लक्षण हैं। घर में विवाह शादी नहीं हो रही है, पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, ये सारे के सारे पितृ दोष लगकर बिगड़ जाने के लक्षण होते हैं। अगर ये सारे लक्षण आपके साथ हैं तो आपके यहाँ पितृ दोष हैं। शांत करने का सबसे सरल उपाय है यह जागृत माला। इस माला को हमने जागृत कर दिया, सिद्ध कर दिया, पहले ही दिन से काम करने शुरू कर दिया कि इस माला को आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। मंत्र भी दे दिया गया आपको, ओम नमः शिवाय, बिना गुरु के ही जाप किया जा सकता है इस मंत्र को। अगर आप पहले से कोई मंत्र जानते हो, यानी पहले से आपने किसी माला पर कोई मंत्र सिद्ध कर रखा है, तो आप वो मंत्र भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। अब इस माला का हमने एक चार्ज रखा है, क्यों रखा है? बाबा हनुमान ने कहा फ्री में बांटोगे, इतना बड़ा घर तेरा नहीं है, लाखों लोग आ जाएंगे, क्योंकि जब ये वीडियो बना रहा हूं तब तक 8000 प्लस ऑर्डर निकल चुके हैं इस माला की, 8000 प्लस ऑर्डर निकल चुके हैं। तो भाई मेरा तो प्रबंध नहीं था कि मैं फ्री में 8000 लोगों को बांट दूं, और वो तो अभी तक जा चुके हैं, शायद महीना हुआ है, महीने के आसपास हुआ है इन सब चीजों को, जब ये वीडियो बना रहा हूं 8000 प्लस ऑर्डर निकल चुके हैं। तो ऐसे में सिंपल सी बात यह है, अगर आप इस माला को ऑर्डर करते हो तो नीचे स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन और व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं नहीं उठाऊंगा, कोई भी टीम मेंबर उठाएगा, उसको सिर्फ आप इतना बताओगे कि माला चाहिए, फिर आप व्हाट्सएप पर हमारे पास अपना एड्रेस, अपना नाम, पिन कोड और माला चाहिए ये लिखोगे। इसका एक चार्ज रखा गया है, चार्ज भी बता देता हूँ, 640 रुपये प्लस, आप जहां से भी हो वहां का डिलीवरी चार्ज, हरियाणा से हो तो कम लगेगा, दिल्ली से हो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, और कहीं आगे से हो वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हो डिलीवरी चार्ज स्थान के ऊपर निर्भर करता है। किसी भी प्रेमी को इस माला को अनमैरिड लड़कियों को छोड़कर कोई भी कर सकता है, मात्र 16 दिनों में आपके घर का पितृदोष शांत हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? हर रोज पितृपक्ष के 16 दिनों में हर रोज आपको 21 माला ओम नमः शिवाय ही करनी पड़ेगी। एक मिनट में एक माला व्यक्ति 21 मिनट में कर दोगे। कैसी करनी है? अपने किसी भी स्थान पर, अगर घर में पितरों का स्थान है तो उस पर बैठना है, घर के मंदिर में नहीं बैठना है, किसी भी एकांत स्थान पर बैठकर आसन लगा के बैठोगे, साफ कपड़े पहन के बैठोगे, हाथ में राइट हैंड में जल लेके संकल्प करोगे कि हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, महिला है तो पति का नाम बोलेगी, मैं इस जगह का निवासी हूँ, मेरा गोत्र ये है, इस समय मुझे पितरों के बारे में नहीं पता, पितरों का नाम पता है तो बोल दो मेरे पितर का नाम वो है, मैं उसके लिए जाप कर रहा हूँ, कृपा करिए मेरी जिंदगी में, मेरी कुंडली में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरी पीढ़ियों में कोई पितर दोष लगा हुआ है उसको शांत कर दीजिए। हम पितृपक्ष के 16 दिनों में रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप कर रहे हैं। अब यह हमारी नहीं, यह आपकी जिम्मेवारी है, हमारा पितृदोष शांत कर दीजिए, ऐसा बोल के जल नीचे की ओर छोड़ दो। अब अगर आपके घर में कोई प्रेत बैठा हुआ है, कोई बहुत तकड़ी मतलब प्रेत बाधा बैठी हुई है, तो वो आपको माला नहीं करने देगी। अगर आपके शरीर में प्रेत होगा तो आप यहीं से माला वीडियो छोड़कर जा चुके होगे, ये भी याद रख लेना, और यहां तक आए हो, यहां तक आ पहुंचे हो वीडियो में, तो ये भी याद रख लेना कि आप अपनी जिंदगी का पितृदोष शांत करने जा रहे हो। सकता है 2-4 दिन माला करने में आपको परेशानी हो, क्योंकि जो प्रेत बैठा है वो शुद्ध होने में समय लेगा, वो घर से बाहर जाने में समय लेगा, आपके पितर को आगे आने देने में समय लेगा वो, तो इसलिए घबराना नहीं है किसी भी प्रकार से, निरंतर माला का जाप करिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 16 दिनों में हर रोज 21 माला करोगे, 16 दिनों के अंदर आपका पितृदोष शांत हो जाएगा। इससे संबंधित पहले की आगे की सारी वीडियो इसी YouTube चैनल पर डाल दी गई है, आप प्यार दे रहे हो, तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री श्याम।